कुछ आया नहीं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, क्या नाम है आपका? रहमान उद्दीन। कहाँ से हो आप? सवाब से। अच्छा, आपके बच्चों को क्या मसला था? इनको डॉक्टर तो कह रहा था कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उस साल के बाद इसकी जो इड़ी है ना वो ऊपर जाता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाता है, चलने फिरने से खासियत रहता है। तो आपकी दवाई से ये बच्चे तो अभी मतलब इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुआ है लेकिन खराब भी नहीं हुआ है, उसमें बीमारी रुक गई है माशाल्लाह। हाँ रुक गई है। अच्छा, जो आपका दूसरा बच्चा उसकी अम्मी का इलाज किया था? हाँ, उसको दवाइयाँ दी थी प्रेगनेंट के दौरान, तो अभी जो बच्चा हुआ है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है जी जी, लेकिन उसके पैरों में कमजोरी काफ़ी है अभी। ठीक है, तो उसके लिए अगर जो आप दवाई दे दिए, ठीक है, उम्मीद तो है कि वो ठीक हो जाए। जो दूसरे बच्चे इस उम्र में थे तो इस तरह नहीं चलते थे ना? इस तरह नहीं चलते थे, इसमें चलने में बेहतरी है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह ये और भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया आपका जी। बहुत दोस्तों, ये डुशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है जेनेटिक डिजीज़ है, ये जो है ख़ास तौर पे मदर की तरफ से आता है, मदर कैरियर होती है तो उस वजह से आता है। ठीक है ना, इसमें जो DMD जीन है उसमें जीन म्यूटेशन होती है, जीन डिलीशन या जीन डुप्लीकेशन, जिसकी वजह से मसला आता है। तो इसका जितना भी जल्दी इलाज होगा उतना ज़्यादा कामयाब जाएगा, जितना भी उसमें लेट होगी तो उसमें फिर वो बच्चा या पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होगा। और इसका अगर प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के साथ इलाज किया जाए तो बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है, जैसे भाई ने बताया, इसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।